गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। माय नेम इज योगेंद्र कुमार। वी डिस्कस द चैप्टर नंबर 16, दैट्स नेम इज डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। टू बी कंटिन्यू है बेटा, द डाइजेशन ऑफ फूड। बेटा अगर हम फूड के बारे में इमेजिन करते हैं तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फूड वी टेक, तो कैसे जाता है। सबसे पहले फूड जाएगा हमारे ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का मतलब है माउथ का जो स्पेस पर्टिकुलर बचा हुआ है, एंड इन ह्यूमंस दैट कंटिन्यू इन द स्टमक। ओरल कैविटी से किस में जाएगा? स्टमक। फिर जाएगा बेटा किस में? स्मॉल इंटेस्टाइन। द फूड अंडरगोज नो चेंज इन द फेरिंग्स। फेरिंग्स का मतलब क्या होता है बेटा? जो यहाँ हमारे गले में होता है इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। एंड फिर आती है बेटा इसोफेगस। इसोफेगस में और फेरिंग्स में कोई चेंज नहीं आएगा फूड में। दीज रीजन्स, रीजन्स का मतलब होता है बेटा एरिया। इनका सिर्फ ये काम है कि वो भेजेंगे, कन्वे करेंगे किसको बेटा? फूड को। किससे बेटा? ओरल कैविटी से। किसके अंदर बेटा? स्टमक में। मतलब जितने भी पार्ट हैं वो स्टमक के पास भेजेंगे, लाइक फेरिंग्स है, इसोफेगस है, ओरल कैविटी है। किसके थ्रू बेटा? स्वेलोइंग। अगर स्वेलोइंग को बात करें बेटा, एनगल्फिंग ऑफ फूड या निगलना, फूड का अंदर जाना, निगलना। अब टॉपिक बता रहा हूँ, व्हाट इज स्वेलोइंग? स्वेलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन का मतलब क्या है बेटा? इन्वॉल्व द पैसेज ऑफ फूड बोलस। बोलस का मतलब बेटा निवाला, जो आपने खाया है, फ्रॉम द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से किस में जाए बेटा? स्टमक में। दैट इज वाई आर कॉल्ड स्वेलोइंग। मतलब कि फूड बोलस का जो निवाला है, जो निवाला है खाने का, जो निवाला है वो ओरल कैविटी से किस में जाए? स्टमक में। नेक्स्ट आता है प्रोसेस। स्वेलोइंग इज स्टार्टेड एज अ वॉलंट्री एक्शन। वॉलंट्री का मतलब बेटा दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन बाय प्रेसिंग द टंग। बेटा हम सोचो खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो एकदम खाना खाएंगे तो टंग हमारी ऊपर नहीं रहती, खाना खाते टाइम हमारी टंग बिल्कुल प्रेस हो जाएगी। किसके अगेंस्ट बेटा? हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट टंग के बिल्कुल अपोजिट है, ऊपर के साइड जो सामने वाला है। फर्स्ट होता है हार्ड पैलेट, देन होता है सॉफ्ट पैलेट, बता चुका हूँ मैं। ये जो हार्ड पैलेट है पुश करेगा बोल को किस में बेटा? फेरिंग्स में। बोल का मतलब बेटा जैसे मतलब जो हमने खाना खाया है, बोलस। फ्रॉम हेयर स्वेलोइंग कंटिन्यूज बाय इनवॉलंट्री। इनवॉलंट्री का मतलब क्या है? फेरिंग्स में जाने के बाद मुंह में तो हम खाना चबाते चबाते रुक सकते हैं, बट जैसे ही खाना फेरिंग्स में चला गया उसके बाद आप खाने को रोक सकते हो। जैसे ही खाना इसोफेगस में चला गया आप खाने को नहीं रोक सकते, आप फूड पाइप में जाने के बाद नहीं रोक सकते। कैसे रोकेंगे? दैट मीन्स ये इनवॉलंट्री एक्शन हो जाएगा। इनवॉलंट्री का मतलब क्या होता है बेटे? दैट इज डू नॉट कंट्रोल बाय द ब्रेन। दैट स्टार्टेड बाय स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व्स। जो स्टार्ट हो रहा है बेटा किसके स्टिमुलेशन से? सेंसरी। सेंसरी का मतलब द ब्रेन नर्व्स, जो किस में जाके खत्म होगी बेटा? फेरिंग्स में। एज द फूड रीच इज द फेरिंग्स। अगर बेटा फूड किस में रीच करेगा बेटा? फेरिंग्स में। जो सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट के जस्ट बाद आता है बेटे सॉफ्ट पैलेट, और आता है उवुला। मैंने आपको बताया था एक ऐसी स्ट्रक्चर आपको अपने गले के लास्ट में, बिल्कुल जब आप मुंह खोलते हो तो बिल्कुल लास्ट में ऐसी स्ट्रक्चर आपको शो होती है, दैट इज नेम इज उवुला। राइज टू द क्लोज, जो किसके साथ क्लोज होता है बेटा? हमारा उवुला बिल्कुल नेजो फेरिंग के साथ अटैच है, नोज का, गले का और ईयर का। ईयर, नोज और थ्रोट बेटा, ईयर, नोज और थ्रोट, इन सब का एक ही मतलब एक कॉमन पैसेज होता है वहां से। नेजोफेरिंग्स एंड लैरिंग्स। लैरिंग्स का मतलब बेटा साउंड बॉक्स, मुंह अपवर्ड। जैसे खाना अंदर गया ये अप डाउन होंगे, एपिग्लोटिस भी अप डाउन होगा। टू मीट द एपिग्लोटिस फॉर क्लोजिंग द ग्लोटिस। एपिग्लोटिस कवर और क्लोजिंग द ग्लोटिस, बेटा इसके बारे में बताऊंगा मैं। एपिग्लोटिस का मतलब क्या है कि प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द विंड पाइप। मतलब एपिग्लोटिस का काम क्या है बेटा? फूड को प्रिवेंट करेगा एंट्री करने से किस में बेटा? विंड पाइप। जैसे दैट स्टॉप ब्रीदिंग। अब जैसे खाना अगर हम खाते हैं तो उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए ब्रीदिंग बंद हो जाती है। दिस स्टॉप ब्रीदिंग फॉर अ मोमेंट, कहते हैं ना कि खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। दैट मीन्स बेटा वो खाना जो है वो आपकी फूड पाइप की बजाय एयर पाइप में जाएगा, विंड पाइप में जाएगा। दैट्स चोक टू डेथ। डेथ होने के चांसेस बेटा पूरे हैं अगर फूड विंड पाइप में चला जाता है तो। द स्टॉप ब्रीदिंग फॉर अ मोमेंट एंड प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम गोइंग द रोंग वे। मतलब जो एपिग्लोटिस है वो प्रिवेंट करेगा फूड को कि वो रोंग वे में ना जाए। ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्वेलोइंग। सांस लेना किसके टाइम पे बेटा? निगलने के टाइम पे, स्वेलोइंग के टाइम पे।
वुड चोक द रेस्पिरेटरी पैसेज, जो क्या करेगा बेटे, चोक कर देगा, ब्लॉक कर देगा किसको बेटा, रेस्पिरेटरी पैसेज को। एंट्री ऑफ पीस ऑफ फूड, एंट्री ऑफ पीस ऑफ फूड, एंट्री ऑफ पीस ऑफ फूड इन टू द एपिक इन टू द ग्लोटिस मे पोज ए थ्रेट टू द लाइफ। मैंने बताया बेटा कि अगर खाना ग्लोटिस में चला जाए या एयर पाइप में चला जाए तो बेटा क्या होगा, थ्रेट हो जाएगा हमारी लाइफ के लिए, मतलब डेथ चांसेस हैं। फॉर्चुनेटली द कफिंग रिफ्लेक्स क्विकली क्लियर्स द एयर पैसेज, बट एक रिफ्लेक्स आता है बेटा, पता है आपको रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन जो जनरेट करता है ब्रेन, जैसे ही हमारी एयर पाइप में खाना गया हम खांस देंगे, खांसने से क्या होगा, वो सारा जितना भी एयर का जो प्रेशर है वो सारा हमारे खाने को बाहर लेके आएगा। कई बार वोमिटिंग करते हैं टाइम भी, नाक में कई बार वोमिटिंग चली जाती है या विंड पाइप में चली जाती है, तो हम खांसते हैं तो साफ हो जाता है। दिस रिफ्लेक्स इज पुअर बेटा, अनकॉन्शियस पर्सन है, मतलब किसी को होश नहीं है, अगर होश नहीं है तो उसका एपिग्लोटिस काम नहीं करेगा, तो उसमें उस पर्सन को हम क्या नहीं देंगे बेटा, लिक्विड नहीं देंगे। अगर कोई पर्सन बेहोश है, कोई मतलब बात नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, तो हमें उसको लिक्विड नहीं देना चाहिए। फेरेंजियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जो फेरिंग्स की जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, पुश करेगी बॉल को किसके ओवर बेटा, एपिग्लोटिस, किस में बेटा, इसोफेगस में, किस में बेटा, इसोफेगस। जो स्फिंक्टर मसल है, स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है बेटे, कंट्रोल मसल एट द बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब बेटा स्टार्टिंग में, इसोफेगस में जो रिलैक्स करेगा इसको किसके बेटा, उस पर्पज के लिए। फूड अंडरगोज नो चेंज इन द इसोफेगस, फूड में बेटा कोई चेंज नहीं आएगा, किस में बेटा, इसोफेगस में, फूड में क्या नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा इसोफेगस में। मीनिंग ऑफ ग्लोटिस, द मोशन कैन बी सीन इन द बोबिंग, मोशन को हम सीन कर सकते हैं बेटा, बोबिंग ऑफ द एडाम्स एप्पल ड्यूरिंग सेलिंग, मतलब कहने का मतलब बेटा, ग्लोटिस का मतलब बता रहा हूँ, जो हमारा एडाम्स एप्पल है, गले में देखा होगा सामने की तरफ एक छोटा सा पार्ट निकला हुआ होता है, दैट इज एडाम्स एप्पल, आपने फील भी करते हैं जब आप खाना खाते हैं तो अप डाउन होता है, तो कह रहे हैं बोबिंग मतलब प्रेस होगा एडाम्स एप्पल कब बेटा, जब हम निगलते हैं, मतलब जब हम बोलते हैं तब भी वो अप डाउन होता रहता है, फीमेल में थोड़ा कम होता है, मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ हॉर्मोनल एक्शन। द लेटर सिंपल, 1-2% फीमेल की बात नहीं कर रहा बेटा, 99% केसेज में, अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो नहीं है। द लेटर सिंपल फोर्सेज द फूड बोल इनटू द स्टमक, जो लेटर है बेटा सिंपल फोर्स करेगा बेटा फूड को, बाद में बेटा फूड गया बेटा इसोफेगस में चला गया, अभी इसोफेगस में पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट होती है, सुना है बेटा पेरिस्टोलसिस, पेरिस्टोलसिस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी तो फूड क्या करेगा, मूव कर जाएगा, स्टमक बाय पेरिस्टोलसिस दैट इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, किसके ऊपर है बेटा, बोलस के, एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स बिलो इट, पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर रिलैक्सेशन। जो कार्डियक स्फिंक्टर है, स्टमक के अंदर सबसे पहले एंट्री करता है, मतलब इसोफेगस के बीच में और स्टमक के बीच में एक पार्ट आता है बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ, स्फिंक्टर जो कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड, वो ओपन हो जाएगा फूड बोल से, ओपन है फूड बोल, अप्रोचेज द लेफ्ट इन स्लीप, स्लीप का मतलब फिसल के आ गया, कार्डियक स्फिंक्टर ने एंट्री कर दी, भाई आ जाओ स्टमक में। दिस स्फिंक्टर देन क्लोज अगेन, चेक फूड पासिंग बैक अगेन टू चेक फूड पासिंग बैक इन टू द इसोफेगस, मतलब स्फिंक्टर का काम ये भी है बेटा, अगर स्टमक में खाना चला गया ना तो वो हमारे फूड पाइप को मतलब क्या कर देगा, हमारे स्टमक को क्या करेगा, क्लोज कर देगा। अब कार्डियक स्फिंक्टर का मतलब बता देता हूँ, जो ओपनिंग आएगी किसके बीच में बेटा, स्टमक के बीच में और इसोफेगस के बीच में, वो क्या होगी बेटा, कार्डियक स्फिंक्टर, मतलब स्टमक और इसोफेगस, इसोफेगस का मतलब फूड पाइप, इन दोनों के बीच में जो ओपनिंग है वो है कार्डियक स्फिंक्टर। फिर से बता रहा हूँ, कार्डियक स्फिंक्टर ओपन्स एज फूड बोल अप्रोचेज टू लेट इट स्लिप, स्लीप का मतलब बेटा फिसलना, किस में, स्टमक में, स्फिंक्टर फिर से क्लोज हो जाएगा जो चेक करेगा फूड को, पासिंग बैक वापिस जाएगा किस में बेटा, इसोफेगस में। इज इट क्लियर बेटा, दिस इज योर टॉपिक बेटा, इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस द फूड डाइजेशन इन स्टमक, ओके, आई होप यू एंजॉइंग द लेक्चर, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर मोटिवेशन।